हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि मिस्त्री द्वारा इस ब्रिक वर्क के ऊपर कंक्रीटिंग किया जा रहा है, पर आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये मिस्त्री द्वारा क्या किया जा रहा है। क्या ये देना ज़रूरी है या फिर ये फिजूल खर्ची है? इसको देने से क्या हमारे कंस्ट्रक्शन में फ़ायदा हो सकता है और क्या इसके एडवांटेजेस हैं? तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे कि ये जो मिस्त्री द्वारा काम किया जा रहा है वो इसको कंप्लीट हम एनालिसिस करेंगे और इसकी अच्छी चीज़ों को और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 4 इंच के ब्रिक वर्क के ऊपर जो कंक्रीटिंग किया जा रहा है इसको सील बैंड बोला जाता है। देखिए, सील बैंड जहां भी 4 इंच का वॉल किया जाता है वहां पर देना बहुत ही जरूरी है। ये तो हो गया हमारे ब्रिक वर्क, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपको ब्रिक वर्क दिखाया जा रहा है ये स्लैब के ऊपर किया जा रहा है एज अ पैरापेट वॉल। तो क्या पैरापेट वॉल में भी सील बैंड देना चाहिए? जी हाँ, आपको पैरापेट वॉल में भी सील बैंड देना चाहिए। हम आपको समझाते हैं कि ये किस तरीके से ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिक वर्क अगर कंस्ट्रक्शन में हो रहा है तो उसमें सील बैंड कैसे देना है। जैसे मान लीजिए कि आपने पूरा फ्रेमिंग स्ट्रक्चर बना दिया, बीम कॉलम खड़े कर दिए और उसके बाद आप जो है पार्टीशन का काम कर रहे हैं। जनरली पार्टीशन वॉल हमारे 4 इंचेस के ही बनाए जाते हैं। अब चूंकि 4 इंच की थिकनेस कम है, 4 इंच है उसकी थिकनेस कम है, 9 इंच के मुकाबले कम है, तो उसमें स्टेबिलिटी भी कम है, उसमें स्ट्रेंथ भी कम है। कंस्ट्रक्शन जब भी फ्रेमिंग स्ट्रक्चर होता है तो उसमें ब्रिक वर्क का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रह जाता है, सिर्फ पार्टीशन का रोल रह जाता है, लेकिन फिर भी उसको भी स्ट्रेंथ देना काफी इंपॉर्टेंट है। तो 4 इंच का जो हमारा ब्रिक वर्क होता है उसमें स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने के लिए हम जो है सील बैंड देते हैं। पहला तो ये है, और ये देना बहुत जरूरी है क्योंकि 4 इंच की वॉल को जब आप धक्का देंगे 4 फीट चलाने के बाद, पहले तो 4 इंच की वॉल आपको एक बार में 4 फीट से ज्यादा हाइट की नहीं चलानी है, तो फिर आगे चल करके आपका मोर्टार सेटल होगा और वह एक तरफ झुक सकता है। दूसरा, अगर कंटिन्यूसली आप चलाते जाएंगे तो आपका दीवार जो है वो तिरछा हो जाएगा, इसलिए 4 इंच चलाने के बाद फिर नेक्स्ट डे हम जो है उसके ऊपर कंटिन्यू करते हैं सील बैंड दे करके। अब सील बैंड हम अगर 4 फीट की ऊंचाई पर दे देते हैं तो हमारे जो ब्रिक वर्क है उसमें प्रॉपर स्टेबिलिटी आ जाती है, उसको फिर उसमें जो है वो वाइब्रेशन वाला काम खत्म हो जाता है। वरना अगर 4 इंच की वॉल आप 4 फीट खड़ी करेंगे और अगले दिन आकर भी अगर आप उस पर फोर्स लगाएं तो वो हल्का फुल्का हिलता डुलता रहता है, और इस तरीके से अगर हम कर देंगे उस पर सील बैंड तो उस पर काफ़ी स्टेबिलिटी आ जाती है। दूसरा, जब भी ब्रिक वर्क में क्रैक आएगा और ये सील बैंड दिए रहेंगे आप, तो क्रैक पूरा ऊपर से नीचे तक ट्रैवल नहीं करेगा, सील बैंड तक आकर के रुक जाता है। ये इसका सबसे बड़ा जो है एडवांटेज है, ये सीलन को भी ऊपर जाने से रोकता है सील बैंड। अब देखिए, सील बैंड में जनरली लोग पूछते हैं, कंफ्यूज ये रहते हैं कि क्या उसमें जो है हमको स्टील देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखिए, आपको स्टील देंगे तो भी बेटर है, नहीं देंगे तो भी बेटर है। सील बैंड में कोई स्टील का बहुत बड़ा रोल नहीं रहता है, पर अगर आप देते हैं तो अच्छी बात है। और सील बैंड में आप जो कंक्रीट बनाए वो आप 1, 2, 4 का बनाएंगे तो ज्यादा बेटर है। आप M20 बना सकते हैं, 1.5, 3 बना सकते हैं, पर आप 1, 2, 4 बनाए वो बेहतर है। तो मैंने आपको ब्रिक वर्क के अंदर बता दिया कि अगर आप पार्टीशन वॉल कर रहे हैं, पूरी कंप्लीट एक वॉल कर रहे हैं, तो उसमें आपको किस तरीके से सील बैंड देना है। अब बात करेंगे जो आपको ये वीडियो में दिखाया जा रहा है पैरापेट वॉल का। तो देखिए, पैरापेट वॉल यानी जो हमारी ये बाउंड्री वॉल चल रही है स्लैब के ऊपर, इसमें भी सेम वही फार्मूला अप्लाई होता है कि अगर इसमें हम सील बैंड दे देंगे तो इसमें धक्का वक्का लगने से ये जल्दी आसानी से गिरेगा नहीं, थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो पहला हमारा पॉइंट क्या होगा कि स्टेबिलिटी आ जाएगा और जो हमारा वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन भी कम होगा, हिलेगा नहीं ये, इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। दूसरा, सील बैंड कर देने से ऊपर से कंक्रीट की एक लेयर आ जाने से इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप ब्रिक वर्क करके ऊपर का छोड़ देते हैं तो एक एक ब्रिक धक्का लगने से उजड़ने लगता है, वो निकलने लगता है, और ऊपर अगर सील बैंड दे दिया जाता है तो वो फिर निकलता भी नहीं है और इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी मिलता रहता है। तो जब भी आप 4 इंच की वॉल करें तो आप उसमें जो है सील बैंड जरूर प्रोवाइड करें, चाहे वो आप कंप्लीट वॉल बना रहे हो या फिर आप जो है ये बाउंड्री वॉल बना रहे हैं। तो यहाँ पर मिस्त्री द्वारा बहुत ही सही काम किया जा रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक यू।